ये बात जब आपके मन में आया कि हमें शॉर्ट वीडियो बनाना है जी, तो आपने सबसे पहले ये बात किससे आपने कहा? जी सबसे पहले तो मम्मी हैं, पापा हैं, फैमिली। अच्छा, वीडियो कब बनाती हैं? सुबह शाम या इसका मतलब जी, अच्छा समाज में क्या कभी मतलब जैसे माता पिता बाहर जाते हैं कभी कुछ मतलब कोई बात सुनने को मिला ऐसा कुछ? ऐसा मतलब अगर अवसर आया कि खेसारी का फोन आ गया तो फिर उस समय कैसा आपको? बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। जब लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट भी आता है क्या शादी आपकी हो गई ऐसा कुछ, क्योंकि साड़ी माँ बनाती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि शादी वादी हो गई आपकी जी, तो थोड़ा बताइए उनको ना आइडिया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैं बना रही थी अभी रील, अभी देख सकते हैं आप लोग मैं छत पे हूँ। इधर रीना है और इधर चाची है, उधर मेरा भाई है। तो वीडियो बनाई हो? अच्छा वीडियो बनाई हो। इधर मेरी भतीजी है, प्यारी प्यारी भतीजी। हेलो बोल दा। हेलो हेलो करा। हेलो गाइस। हेलो गाइस बोलो। हेलो करा। तो फ्रेंड अभी हम बना रहे थे वीडियो और अभी एक भैया आए हैं जो मीडिया से हैं मेरा इंटरव्यू लेने, तो चलिए आप लोगों से परिचय करवाते हैं। फ्रेंड इधर वो भैया हैं जो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। दोस्तों नमस्कार, जो भी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल का नाम है देहाती रिपोर्टर। जो है हम लगभग 5 जिलों में काम करते हैं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर। जो है यहाँ जो भी क्राइम खबरें होती है, जो भी खबरें होती है उसको हम जो कवरेज करते हैं। और हमें आज बहुत बड़ी खुशी हुई है क्योंकि जब गांव देहात की एक बेटी जो है कुछ अगर बन करके उभरना चाहती है, जब उसका नाम रोशन होता है तो हम लोग को काफ़ी खुशियाँ होती हैं। क्योंकि मैं एक संस्था चलाता हूँ दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान, तो अगर बेटियाँ अपने पैरों पर होती हैं, अगर दो पैसे कमा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, अगर क्योंकि सबको नौकरी पाना संभव नहीं है जी, जी, तो कम से कम एक कला के माध्यम से इतना बढ़िया काज कर रही हैं कि जिसको देखने के बाद जो है दिल गदगद हो जाता है। जी जी। तो भैया मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं फ्रेंड, और इधर एक और भैया हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। आगे देखिए भैया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं आप लोग को। का राजभर जी हैं, तो समझिए कि राजभर समाज की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने तमाम समस्याओं को फेस करते हुए, तमाम समाज की बुराइयों से लड़ते हुए आज यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बना करके समझिए पूरे भारत में नाम कमा रही हैं। बहुत से लोग शॉर्ट वीडियो तो बनाते हैं लेकिन जो सादगी अलका जी में दिखता है ये आपको बहुत ही कम दिखेगा, और मतलब लोगों में। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा आवाज़ आज गला बैठ गया है, अगर आपको जैसा लगे तो मतलब क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये फिर भी आज मैं रिपोर्टिंग करूँगा और भविष्य में भी अगर समय मिला फिर भी दोबारा भी आऊँगा। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले भैया के चैनल से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मेरा नाम है अलका राजभर, मेरे गांव का नाम है चकचोरा और पोस्ट है दुबरा, ज़िला आजमगढ़, यहां की रहने वाली हूं। और मैं एक यूट्यूबर हूं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाती हूं, और भैया आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अलका जी पढ़ाई लिखाई कैसे कितना हुआ जी? मेरी पढ़ाई भैया, मेरा बीकॉम कंप्लीट है और अभी तैयारी कर रही थी लेकिन अभी तो बंद है पढ़ाई, अभी यूट्यूब पे ही काम कर रहे भैया। और ऐसा क्या मतलब कारण आया जिससे आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ा या रोकना पड़ा? जी भैया देखिए, मतलब पढ़ाई तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम उग्ज़ाम दिए, कुछ हुआ नहीं उसमें, तो फिर और घर की भी स्थिति थोड़ा डाउन थी तो मुझे लगा चलिए मैं और कहीं नौकरी के लिए भी मैं देखी थी तो कुछ नहीं, फिर मैं यूट्यूब पे मतलब वीडियो देखी कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, अपना हुनर भी दिखा रहे हैं तो मुझे भी काम करना चाहिए, तो इसीलिए मैं भी यूट्यूब पे आ गई। मतलब ये रहा कि आपकी इच्छा थी कि हम पढ़ाई करके आगे बढ़ें? जी हाँ हाँ जी, मैं तैयारी वहाँ से भी लगन से की और यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी लगन से काम की हूँ, दोनों जगह ऐसे ही मतलब लगन से ही काम की, मेहनत की हूँ जी। अच्छा, इससे यूट्यूब पे आने के पहले आप शॉर्ट वीडियो किसका देखती थी, किससे इंस्पायर हुई आप? जी तो फिर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो देखती थी तो उनसे मोटिवेशन मिला मुझको कि मैं भी काम करूं, आगे मैं भी बढ़ूं, तो अपनी घर की स्थिति देखते हुए भैया मैं भी यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दी हूँ और सक्सेस हुई हूँ, और ऑडियंस का प्यार रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं जी। ये बात जब आपके मन में आया कि हमें शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आपने सबसे पहले ये बात किससे आपने कहा? जी सबसे पहले तो मम्मी हैं, पापा हैं, फैमिली में मैंने बात की मम्मी से कि मैं वीडियो बनाऊंगी। पहले तो ऐसे ही यूट्यूब पे मतलब नहीं, सब लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के अपना डालती हैं, तो एक दो वीडियो डाली फिर मम्मी को दिखाई कि हम भी वीडियो बनाएंगे, तो मम्मी बोली कि का मतलब ये क्या कर रही हो, गाँव का तो होता है ना कि पूछती हैं कि का करत हूँ, सब लोग का कही हैं,
तो फिर मम्मी को समझाएं कि नहीं सब लोग काम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस हमको भैया एक मौका दीजिए। तो मम्मी भी बोली ठीक है काम करो, मम्मी का भी फिर सपोर्ट रहा है जी। मम्मी तो मानता हूँ भाई, देखो माँ तो माँ होती है, वो तो उनका तो खुशी इसी में है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े अच्छा करे, लेकिन भाइयों का सपोर्ट कितना रहा, सबसे जो कठिन कार्य होता है। जी जी था, लेकिन फिर भाइयों को भी समझाया, भाई हमसे छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, दो भाई हैं तो मैं बड़ी बहन हूँ, समझाया। दोनों छोटे हैं। जी 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 भाई छोटे हैं, समझाया तो मान गए, भाई भी मान गए हैं, पापा का भी सपोर्ट रहा है, पापा भी नहीं बोलते हैं कुछ। कम से कम कितना दिन से आप बना रही हैं? जी भैया मुझे तो यही एक साल हो गए, मार्च में मैंने होली के दिन स्टार्ट किया था वीडियो बनाना। अच्छा, एक साल। जी एक साल, एक साल होली जी, तो बढ़िया से होली मनाई होंगे आप लोग। जी हाँ, बहुत खुशी होती है कि ऑडियंस ने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि इतना हमें आगे बढ़ाए हैं आप लोग, आप लोग का ज्यादा सहयोग रहा है ऑडियंस का जी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई में कौन सा विषय आपको अच्छा लगता था? जी पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कला, जो चित्रकला में करती थी, बनाती थी ड्रॉइंग, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा, इसे पढ़ाई कर क्या बनने की इच्छा थी आपकी? अगर पढ़ाई करती तो आप भविष्य में? जी मुझे यही मेरा था कि मैं हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रही थी और वही मुझे बनना था। अच्छा, समीक्षा अधिकारी। जीवन में और क्या मतलब करना है, कि वो शॉर्ट वीडियो है कि लॉन्ग वीडियो बनाना है ऐसा कुछ? जी बनाना है, अभी तो अपने चैनल को मतलब ग्रो करना है, किसी पे ध्यान दे रहे हैं कि आगे बढ़ाएं, इसको अगर ऑफर आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, वीडियो कब बनाती हैं, सुबह शाम या इसका मतलब? जी अभी गर्मी आ रही है तो शाम को वीडियो बनाते हैं, क्योंकि दिन में दोपहर में बहुत ज्यादा धूप रहती है तो शाम को बनाएंगे, और ठंड रहती थी तो दिन में बनाते थे। जैसे उसमें जो आवाज डालती हैं आप, क्या कहीं सीखी उखी थी कि आप यूट्यूब से ही? नहीं जी, नहीं जी, मैं ही खुद करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो देख देख के सबका। जी मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं जो आपने बैकवर्ड में पढ़ाई किया है उसका आज लाभ उठा रही है आप? जी जी हाँ जी जरूर। अच्छा, समाज में क्या कभी मतलब जैसे माता पिता बाहर जाते हैं, कभी कुछ मतलब कोई बात सुनने को मिला ऐसा कुछ? मतलब कहते तो बहुत सब लोग पहले थे, लेकिन अभी तो नहीं, मतलब हम ध्यान नहीं दिए ना सबका कि क्या कोई कह रहे हैं, कोई तो हमारे घर का खर्चा चलाएगा नहीं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तब भी लोग कहेंगे और बुरा करेंगे तब भी कहेंगे, तो मम्मी पापा भी मेरे ही साथ थे जी, मेरे ही सपोर्ट में थे, उनका उल्टा जवाब दे देते थे जी। अच्छा जी। अच्छा, इसे ये आपके पिताजी का स्वास्थ्य बीच में खराब हो गया? जी जी सर जी हाँ, पापा का बीच में भी परसों नर्सों हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, कुछ उनकी मतलब दिमागी हालत खराब हो गई थी उसके वजह से, लेकिन अभी ठीक है, और ऑडियंस ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना साथ, मतलब फैमिली की तरह आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। और जैसे जब पिताजी बीमार रहते थे आप हॉस्पिटल भी जाती थी, वहाँ से आना भी, घर पे खाना बनाना, ये सब कैसे मतलब मैनेज करती थी? मम्मी लोग तो मम्मी भाई सब लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे, मैं भी गई तो फिर वहाँ से फिर खाना वाना भी बनाना रहता था, तो खाना लेके फिर पापा किधर जाते थे, तो अभी कल आए हैं मतलब हॉस्पिटल से भी कल आए हैं पापा डिस्चार्ज होके जी। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा कि आप जो शॉर्ट वीडियो साड़ी में ही क्यों बनाती है, ऐसा क्या कारण है? जी सर, मुझको साड़ी ही पसंद है कि मैं साड़ी में इसीलिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे और सभी सूट भी अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा नहीं है कि मैं शॉर्ट कपड़ों में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे सबसे अच्छा साड़ी ही लगता है, इसलिए मैं साड़ी में ही वीडियो बनाती हूँ। और जैसे शुरुआत में कभी मन में नहीं आया कि इसे आज के दौर में जिसको देखो वो शॉर्ट वीडियो बना बना करके जितना भी मतलब ओपन हो सके दिखा दिखा करके हमें आगे बढ़ने के चक्कर से होड़ लगी हुई है? जी 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 सर, मतलब मन में आया ये कि? लेकिन ये था ना सर कि अगर आज हम ये करेंगे तो फिर मेरी जो मतलब परछाई है मेरे गांव वालों पे भी तो असर पड़ेगा ना, कि वो लोग भी मतलब क्या कहेंगे कि ऐसे ऐसे कर रही है, और मम्मी पापा को भी बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं कि ऐसे कपड़ों में वीडियो बना रही हैं, तो फिर अगर आज हम बना रहे हैं तो मेरा कोई देख उसके मन में भी तो आएगा चलो मैं भी ऐसे वीडियो बना के वायरल हो जाऊं, तो मुझे यही लगा कि नहीं मुझे अच्छे से वीडियो बनाना है, अच्छे कपड़ों में वीडियो बनाना है, ताकि मतलब सब लोग कहें, सबका सपोर्ट रहा रहे जी। इसलिए जी तो इसलिए एक साल में इतना सब्सक्राइबर लाना, वो भी मतलब बहुत ही साफ सुथरा छवि में, ये कैसे मतलब इतना कैसे मतलब हो पाया ये?
जी सर, ये तो ऑडियंस ही बताएंगे कि ये लोग इतना ज़्यादा हमको पसंद किए हैं, आगे बढ़ाएं। मेरा यही था सर कि मैं साफ सुथरा वीडियो बनाऊं, अच्छे से वीडियो बनाऊं, ज़रूर वायरल होंगे। अगर आप मन से लगन से काम करेंगे तो ज़रूर वायरल होंगे, नहीं कि आप शॉर्ट वीडियो में ही मतलब शॉर्ट कपड़ों में बनाएं तभी वायरल होंगे, ऐसा नहीं है जी। अगर जो लोग मतलब शॉर्ट वीडियो उस तरह बनाते हैं गंदे कपड़े में, देखिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिला का जो है या लड़की का सबसे बड़ा धर्म है वो लज्जा है। जी, जी, अगर लज्जा ही त्याग देंगी तो फिर मतलब एक महिला होने का स्वाभिमान है खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो जो ऐसे लोग बनाती हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? तो हम सर उनको यही कहना चाहेंगे, आप लोग साफ सुथरा वीडियो बनाइए, क्योंकि प्रभाव आपके घर में भी पड़ेगा, आपके गांव में भी पड़ेगा, आपके मतलब सबको की फैमिली रहेंगे तो वो भी क्या सोचेंगे, चार लोगों में बैठना उठना रहता है। तो फिर देख के सब कुछ बनाइए वीडियो, कि हम ऐसा वीडियो बनाएं कि सबको अच्छा लगे। तो जब आपको कभी अगर चांस मिला तो भोजपुरी फिल्म में काम? जरूर जरूर सर, जरूर जरूर मिलेगा तो चांस करेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि सबको पसंद आए, जरूर काम करेंगे। और कभी ऐसा मतलब अगर अवसर आया कि खेसारी का फोन आ गया तो फिर उस समय कैसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट हैं खेसारी सर हैं, उनके अच्छा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जी। अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, पक्का करेंगे जी। बहुत बड़ी खुशी होगी हमारे घर में भी, हमको भी बहुत खुशी होगी कि सर का अगर वॉफर आया तो, ऐसे तो नहीं आएगा हमको लग रहा है। आशा बनाए रखिए आप, हो सकता है, कोई जानता नहीं है। अच्छा एक बात, जैसे जब लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट भी आता है क्या शादी आपकी हो गई, ऐसा कुछ, क्योंकि वो साड़ी माँ बनाती हैं तो लोग ऐसा लगता है कि शादी वादी हो गई आपकी, तो थोड़ा बताइए उनको ना ऑडियंस को। जी नहीं नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। शादी अभी नहीं हुई है, होगी तो आप लोगों को खुद ही पता होगा। जैसे कब तक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शादी भी एक समय होता है तो कब तक करने का, क्योंकि भाई देखिए ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ यूट्यूबर भी होंगे। जी, तो कब तक प्लान है शादी वादी करने? अभी तो नहीं सर, अभी नहीं प्लान है, अभी तो यूट्यूब पे ही मन लगन से काम करेंगे, आगे देखेंगे। अरे कुछ दो तीन साल चार साल जी, पांच साल, हाँ, इतना तो लगेगा। नहीं इतना नहीं लगेगा। आप खुल के बताइए क्योंकि देखने वाले हैं, चार साल पांच साल कुछ बोल दीजिए ना जी। हाँ जी, मम्मी पापा ही अब डिसाइड करेंगे कब तक करना, उन्हीं के मजे से शादी करेंगे। और समझिए कि अलका राज, समझिए राजभर परिवार की जो कहीं कहीं एक समाज में सुहेल देव जो कि मतलब बहुत बड़ा क्रांतिकारी राजा थे, उन्हीं के सब वंशज हैं और उन्हीं के मतलब समझिए कि सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए ये कहिए कि इससे लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना आपको? जी हम यही कहेंगे कि आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तितूर से, अंबेडकर नगर से ना भैया? मैं तो बस्ती से हूँ, वो है अंबेडकर नगर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब इस लायक हूँ कि भैया हमारे घर आए हैं, मेरा घर ढूंढते ढूंढते। तो हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट रहा है कि आज इतने दूर दूर से हमारे दर्शक हमसे मिलने आ रहे हैं, इतना प्यार लगन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जी। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे आगे बढ़ाए रखिए और आगे तक ले जाइए जी। ऑडियंस का एक और क्वेश्चन आ रहा अभी, बस अब मैं तो इंडिकेट करूँगा, उनका क्वेश्चन ये है कि क्या शादी के बाद भी आप शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जी जरूर, और क्या, नहीं बनाएंगे जी, ऐसा नहीं है, अपना काम थोड़ी ना छोड़ेंगे कि शादी हो गई तो नहीं है जी, नहीं हो सकता, पति मना कर दे जी, नहीं पति क्या मुझे डिसाइड करके करेंगे ना कि मुझे काम करना है अभी जी। ये एक बार आपने कहा कि माता पिता के अनुसार हम शादी करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि मैं डिसाइड भी जी। नहीं तो अभी हम जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ रही, इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है तो फिर पति भी सोचेगा ना कि हाँ जिसमें उसकी खुशी है, फैमिली खुशी आगे बढ़ रही है, वो काम करे तो उसको काम तो करना ही, आगे तक ले जाना है ना, ऑडियंस को ऐसे बीच में थोड़ी ना छोड़ना है। ओ ये बात है जी, समझिए ये रिश्ता है, ये टूटेगा नहीं आपका, अलका जी का जब तक जैसे गाने जब तक है दम, जब तक दम रहेगा, जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तब तक काम ये करती रहेंगी। ये है कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसे जब 10 लाख से ऊपर हो जाए, मिलियन से ऊपर, बिलियन में आ जाए, मान लीजिए कहीं आप जाइए तो लोग सेल्फी के लिए, तो ये नहीं मतलब किसी को राइड करेंगे आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ही आगे बढ़ाने वाले हैं, आप ही नीचे भी लाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोग के दुआ से ही हम आज यहाँ पे हैं, जहाँ भी हैं आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप लोग को अवॉइड करेंगे जी। अलका जी बहुत शुभकामनाएं आपको जीवन आगे बढ़ने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ अलका राजभर जी थी,
इनका ये कहना है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा तो ये उतना ही काम करेंगी, उतना ही उत्साह से काम करेंगी जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। साड़ी में अगर आप कहिएगा साड़ी में बनाएंगी, सूट में, लेकिन ये है कि जो कमेंट लोग करते हैं वो अच्छा लगता है साड़ी में ही। तो एक बात और, फिर मुझे बातें आ जाती बीच बीच में, आज से आप जो वीडियो बनाती हैं तो वीडियो बनाने पर कितना परिश्रम करना पड़ता है इसे? जी बहुत ज़्यादा। पहले तो मतलब कोई गाना अगर हमको पसंद रहता है जो सिलेक्ट करते हैं उस पर थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं नीचे, फिर आते हैं छत पे, एक बार बनता है नहीं तो बच्चे ही बनाते हैं मेरा वीडियो। कोई ऐसे स्पेशल तो है नहीं कैमरामैन जी, सब चाची वाची की लड़कियाँ ही लोग बनाती हैं, तो कभी उनसे गलती हो जाती है तो कभी मुझसे गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा। और छत पे बनाते हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट धूप रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जब आप वीडियो बनाती हैं तो जो हम लोग सब लोग देखते हैं उसमें आप वीडियो आपका, उसमें ये रहता है इससे मतलब कि जो गाने हैं और डांस जो आपका है मतलब बहुत ज़्यादा मैच करता है पूरा, इससे मतलब कहीं से लगता है गलती नहीं हो रही है थोड़ा सा भी। मुझे वैसे ही अच्छा लगता है कि मैं मतलब गाने के साथ साथ डांस करूं, ऐसा नहीं कि गाना अलग चल रहा है डांस अलग करिए तो ऑडियंस भी थोड़ी ना पसंद करेंगे, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा देखने में। आप कहीं भी कोई काम करेंगे पसंद करना ही पड़ेगा। वो तो है, आप नौकरी भी करेंगे तब भी उधर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इधर भी मेहनत करेगी, दोनों सेम। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं, भगवान को आगे बढ़ाएं। इधर भैया लोग बैठे हैं अभी चाय वाय पी रहे हैं, हो गया इंटरव्यू। आप पढ़ाई करो जब भी आपको, और इधर साक्षी हैं, बहुत मजा आया चाय पी करके जो है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस परिवार का संस्कार बहुत बढ़िया है, लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया, हम लोग अम्बेडकर नगर जिले से आए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जो भैया समझा रहे हैं कि मन से पढ़ाई करो तुम लोग भाई, देखो अब दीदी मान लो अपना काम आप पकड़ ले दूसरा, तो कम से कम ये रहे कि जो साक्षी पढ़ाई करबू ना, मन से ना। इधर रीना है, मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ दोस्तों। हाँ तो रीना है अभी पढ़ाई कर रही है ना, पहले पढ़ाई कर लूँ तब। हाँ अलका जी की बड़ी दीदी नहीं, बड़ी दीदी ये मेरी है। हाँ हम बड़ी हैं, ये छोटी है, ठीक है, ये बड़ी मम्मी की लड़की है जी। तो इस परिवार से देखने के बाद मिला जो है कथित का कैसे स्वागत करना चाहिए आते ही, ये अलका जी थी भी नहीं लेकिन इनके पिताजी जो है पानी, उनकी मम्मी जी ने दौड़कर पानी लाया और जाते वक्त फिर बीच में भी पानी पिला, फिर जाते वक्त चाय और नमकीन, देखिए नमकीन भी रखी हुई है। और आप भी तरसिएगा मत, जो है कभी अवसर मिले तलका जी के घर जरूर आइएगा, जरूर जरूर, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा परिवार है जी, जरूर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।